हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं इमरजेंसी पावर्स, फाइनेंशियल, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री पावर्स। सो आज हम सोलली डिस्कस करेंगे पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो पार्डनिंग पावर्स मतलब क्या? माफ़ी देने वाली कुछ शक्तियाँ होती हैं प्रेसिडेंट के पास, उनके बारे में पढ़ना है। उससे पहले कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है अंडर आर्टिकल 72। राइट, अब प्रेसिडेंट के पास कितनी तरह की पार्डनिंग पावर्स होती हैं? तो टोटल 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स होती हैं। ठीक है, नाम इनके देख लेते हैं। एक तो है सिंपल पार्डन, फिर है रिप्राइव, फिर है रेमिशन, फिर है रिस्पाइट और फिर है कॉम्यूटेशन। तो आपको बुक्स पे बहुत भारी भरकम इनके डेफिनेशन मिल जाएगी, बट जिस तरह से मैं समझाऊँगी आई बिलीव कि आपको वो समझ आ जाएगा, क्योंकि मैं काफ़ी इजी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला है पार्डन। पार्डन मतलब कम्प्लीटली एब्जॉल्व्स, पूरी तरह से माफ़ी प्रदान करना। ठीक है, कोई भी अपराध का अगर कहते हैं ना कि कन्विक्शन हुई है किसी इंसान पे, किसी इंसान पे कोई आरोप लगा है, तो वो पूरा का पूरा माफ़ कर देना उसकी सज़ा, वो है कम्प्लीट पार्डन, कम्प्लीटली एब्जॉल्व्स दी कन्विक्शंस और सेंटेंस। अब सेकेंड है रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है? अ स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, स्थगित करना। मान लीजिए किसी इंसान ने कोई ऑफेंस किया है, जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर किया है फॉर एग्जांपल, तो उसे सज़ा मिली है 10 साल की, लेकिन इस चीज़ को स्थगित कर दिया प्रेसिडेंट ने, क्या किया, रोक लगा दी कि अभी कोई 10 साल की सज़ा नहीं होगी, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक है, स्टे लगा दिया एग्जीक्यूशन पर कि अभी रुको, अभी देखते हैं क्या करना है, तो स्थगित कर दिया। रिप्राइव मतलब स्थगित करना, इस तरह से आपने ध्यान में रखना है। थर्ड वन इज़ रेमिशन। अब रेमिशन क्या होता है? रिड्यूसेस द अमाउंट विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर, माफ़ी और छूट, जो सज़ा है उसको कम कर देते हैं बट उसका करेक्टर चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी को अगर 2 साल की बहुत कठिन कारावास के लिए कहा है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसको 2 साल से 1 साल का कठोर कारावास कर सकता है। ठीक है, माफ़ी कर सकता है, छूट कर सकता है, जो सज़ा मिली है उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है, बट उसके नेचर या आप कह लीजिए उसका करेक्टर वही रहेगा। ठीक है, फोर्थ वन इज़ रिस्पाइट। रिस्पाइट मतलब अवॉर्डिंग अ लेस सेंटेंस, घटाव, मतलब कम सज़ा देना। ठीक है, मान लीजिए किसी को पेनल्टी मिली है, 10 साल की सज़ा मिली है, लेकिन वो जो औरत है, किसी वुमेन को मिली है, वो औरत प्रेग्नेंट है, या किसी और को सज़ा मिली है बट वो अपाहिज है इंसान या आदमी, तो उस केस में कम कर देते हैं सज़ा को, घटा देते हैं उनकी सज़ा को, वो होता है रिस्पाइट। फिर है कॉम्यूटेशन। अब कॉम्यूटेशन क्या होता है? हेर फेर, इट सब्स्टिट्यूटिंग वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अदर, हेर फेर करना। मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा मिली है तो उसे 14 साल की सज़ा दे दी, या किसी को 5 साल की सज़ा दी है उसको 10 साल की सज़ा कर दी। सब्स्टिट्यूट करना, एक तरह की पनिशमेंट को दूसरी तरह की पनिशमेंट में चेंज करना, फांसी को कारावास में, कारावास को फांसी में, कुछ इस तरह से चेंजिंग्स करना, ये आता है कॉम्यूटेशन के अंदर। तो कैसे याद रखना है? पार्डन तो हमें पता ही है, कंप्लीट सिंपल माफ़ी। रिप्राइव मतलब स्थगित करना, रेमिशन माफ़ी या छूट, रिस्पाइट घटाव करना, और कॉम्यूटेशन सब्स्टिट्यूट से याद रखना, हेर फेर करना, एक पनिशमेंट को दूसरी पनिशमेंट से चेंज कर देना। ठीक, तो ये हमने कंप्लीट कर ली पार्डनिंग पावर्स। आई होप आपको कोई डाउट ना हो, कोई डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इन दैट केस जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, प्लस जितने भी फ्रेंड्स आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उन सबको इस वीडियो का लिंक भेज सकते हैं, सो दैट उन सबको भी इस वीडियो से बेनिफिट हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे जो लास्ट पावर्स हमारे पास बच गई हैं, आई बिलीव एक ही रही है, वीटो पावर, तो उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, सी यू सून।